हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दर्शना एंड यू आर वाचिंग आर्टिजान स्टूडियो। आज मैं आप लोगों को मधुबनी पेंटिंग से हटके कुछ न्यू और यूनिक बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये डॉट मंडला एंड मधुबनी पेंटिंग का मिक्स बनाया हुआ है। इसे आप आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं, इसे फ्रेमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है और ये देखने में बहुत ही सुंदर है। इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने कैनवास बोर्ड का यूज किया है जो कि 12x12 इंच की है। ये स्क्वायर शेप में है और ये मार्केट में आपको 250 के अंदर ही मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ मैंने कुछ टूल्स का यूज किया है डॉट बनाने के लिए। ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिलने वाले टूल्स हैं या तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये 300 के अंदर ही आपको मिल जाएगी। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी ताकि आप ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ब्रश की रिक्वायरमेंट होगी, आपको राउंड ब्रश ही यूज करना है इसे बनाने के लिए। मैंने इस पेंटिंग को बनाने के लिए 00 से लेकर 12 साइज के ब्रश का यूज किया है। इसका भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि जिनके पास नहीं है वो इसे खरीद सके। मैंने इस पेंटिंग को बनाने के लिए एक्रेलिक कलर का यूज किया है और इस एक्रेलिक कलर में आपको ये मीडियम मिलाना होता है वाटर की जगह पे। तो आगे हम लोग ये प्रोसेस देखेंगे जब हम पेंटिंग बनाएंगे। तो ये एक्रेलिक कलर आपको मार्केट में 100 रुपीज के अंदर मिल जाएगी और मीडियम आपको छोटे साइज की बॉटल 30 रुपीज में मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी रिक्वायरमेंट आपको इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए होगी। आज मैं जो डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोडक्ट पर यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे बैग पर भी बना सकते हैं इससे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि मैं कैनवास बोर्ड 12 इंच की यूज कर रही हूँ जो कि स्क्वायर शेप में है और इस पर ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि स्केल है, कॉम्पस है, प्रो सर्कल है। प्रो सर्कल की जगह पे आप प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हैं एंड पेंसिल। तो पहले कैनवास को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम इसकी लेंथ एंड विड्थ को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि हमें सेंटर पॉइंट मिल सके और उसके बाद प्रो सर्कल की हेल्प से 10-10 डिग्री के डिस्टेंस पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हम जो भी ड्रॉ करें वो इक्वल साइज की हो और सिमेट्रिक लगे। मैं सेंटर सर्कल में लाइंस ड्रॉ नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं वहाँ पर भगवान बुद्ध को बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे लाइंस को नहीं दिखाऊंगी। जिस तरीके से आप स्क्रीन पर ड्रॉ करते हुए देख रहे हैं, आप सेम प्रोसेस को फॉलो करें तो आपकी भी पेंटिंग अच्छी बनेगी। सेंटर पार्ट में भगवान बुद्ध का आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है। मैं इस पेंटिंग में बहुत सारे कलर्स यूज करने वाली हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने कितने सारे शेड्स लिए हैं। आप चाहे तो सिर्फ प्राइमरी कलर भी खरीद सकते हैं और कलर मिक्स करके नए नए शेड भी बना सकते हैं। मैंने इस पेंटिंग को बनाने के लिए 00 से लेकर 12 साइज की ब्रश को यूज किया है। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ब्रश के साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आप ट्राई करें कि आप राउंड ब्रश ही यूज करें। तो मैं सेंटर पार्ट में ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ। ब्लैक कलर के साथ साथ आपको थोड़ा सा 2 या 2 से 3 बूंद आपको मीडियम यूज करना होता है। आपको इसमें वाटर नहीं डालना है, नहीं तो कलर फैल जाएगा। मैं सेंटर पार्ट को ब्लैक इसलिए कर रही हूँ ताकि ये उभर के दिखे और हाईलाइट हो मेरी पेंटिंग में। बाद में मैं इसमें थोड़े से डॉट्स बनाऊंगी ब्लू कलर से, तो जिससे ये ब्लैक एंड ब्लू मिक्स दिखेगा।
पॉइंट से कॉम्पस के हेल्प से तीन सर्कल बनाए हैं और ये तीनों सर्कल डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं। आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग इस सर्कल के साइज को ले सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि सेम सर्कल हो। मैं सेंटर पार्ट में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करूँगी, जैसे स्टेंसिल वर्क होता है इस तरीके से ही मैं सेंटर पार्ट को दिखाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा वर्क नहीं रहेगा इसमें। इस पेंटिंग को आपको बहुत ही आराम से और बहुत ही पेशेंस के साथ करना है, नहीं तो पेंटिंग खराब हो जाएगी। एक बार खराब हो जाएगी तो आप उसे सही नहीं कर पाएंगे। डॉट का यूज करने वाली हूँ, तो इसके लिए कुछ टूल्स है जो मैंने ऑनलाइन खरीदे थे। इन सारे टूल्स को यूज करके मैं डॉट बनाऊंगी और इस पेंटिंग में मैं डॉट एंड कलर फिलिंग दोनों ही यूज करने वाली हूँ, जिससे कि ये पेंटिंग बहुत अलग और डिफरेंट दिखे। मैं यहाँ इस मोटिव को बनाने के लिए नीब का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश से भी बना सकते हैं। मैं पेंटिंग में आगे ब्रश का भी इस्तेमाल करके बता रही हूँ कि किस तरीके से आप मोटिव्स क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको सेम साइज के डॉट चाहिए तो एक बार डिप करना है कलर में टूल को और कैनवास के ऊपर उसे अप्लाई करना है। यदि आप स्काई ब्लू वाले मोटिव के अंदर वाले सर्कल को देखेंगे तो इसमें तीन साइज दिखती है। तो ये तीन साइज इसलिए है क्योंकि मैंने एक बार डिप किया है और तीन सर्कल बनाए हैं, इसलिए सर्कल लार्ज टू स्मॉल हुई है। बट यदि आप ग्रीन वाले सर्कल को देखेंगे तो ये सारे सर्कल इक्वल आपको दिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि एक बार आपको कलर में डिप करना है और कैनवास पे अप्लाई करना है यदि आप सेम सर्कल चाहते हैं तो। इसी तरीके से सारे डॉट से मैं सेंटर पार्ट को भर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं सेंटर पार्ट को ब्लैक नहीं रखूँगी, उसमें थोड़ा सा ब्लू कलर भी यूज करूँगी। ब्लू के डॉट्स मैंने उसमें डाले हैं ताकि इसका लुक डिफरेंट आए और सेंटर पार्ट हाईलाइट भी हो। इसी तरीके से सारे मोटिव बनाने हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। यदि एक बार आप टेक्निक समझ जाएंगे तो आप किसी भी तरीके की पेंटिंग बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस और टेक्निक समझना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज जैसा आप चाहते हैं इसे बनाना वैसा बनके नहीं आएगा। मैंने बहुत ही कम इस पेंटिंग में पेंसिल का यूज किया है। आप चाहे तो पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि जितना कम आप पेंसिल यूज कर सके, नहीं तो जब भी आप लाइट कलर यूज करेंगे तो पेंसिल के लाइंस आपको दिखाई देंगे।
लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने 00 ब्रश लिया है। आपको और भी पतली लाइन चाहिए तो आप 000 भी यूज कर सकते हैं। मैंने थोड़ा डार्क लाइट एंड डार्क ऐसा कॉम्बिनेशन रखा है ताकि सारे कलर्स उभर के दिखे और आई कैचिंग हो, सिमेट्रिक लगे। अभी इन सारे पार्ट्स को हम लोग डॉट से फिल कर देंगे। जरूरी नहीं है कि मैं जो मोटिव्स बना रही हूँ आप भी सेम मोटिव बनाएं। आप डिफरेंट मोटिव भी ट्राई कर सकते हैं, आपको जो पसंद आए उस तरीके के मोटिव बना सकते हैं, लेकिन आप प्रोसेस जरूर सेम रखिए। जैसा मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप बनाएंगे और इसे फॉलो करेंगे तो आपकी भी पेंटिंग इतनी ही अच्छी बनेगी। इस पेंटिंग को आप बैग के ऊपर बना सकते हैं, आप कुशन कवर बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी ये कुशन कवर। बिकॉज मैं स्क्वायर शेप में ही बना रही हूँ और स्क्वायर शेप की ही कुशन होती है, तो आप उस पर बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। सो जरूर आप लोग ट्राई करें उस पर बनाने की। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कंप्लीट डॉट मंडला एक पेंटिंग बनाकर बताऊं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो और आप और भी अच्छी तरीके से सीख सकें इस पेंटिंग को। मैंने थोड़ा सा लोटस वाला लुक देने का भी ट्राई किया है इस पेंटिंग में, ताकि वो सेंटर पार्ट डिफरेंट लगे और साइड के पेटल्स जैसा लुक आए। उसके बाद मैं डार्क ब्लू से इसे फिल कर दूंगी ताकि ये और भी अच्छा और कलरफुल दिखने लगे। पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं ये कितना कलरफुल और अच्छा दिख रहा है। एक्चुअली मुझे इसे बनाने में 6 आवर्स लग गए हैं। आपको भी इतना ही टाइम लगने वाला है, बिकॉज डॉट बनाते हैं तो कलर सूखने में टाइम लगता है। सो जब तक वो सूखेगा नहीं तो आप दूसरा कलर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको पेशेंस के साथ इसे बनाना है और ये बनने के बाद बहुत ही अच्छी दिखती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये पेंटिंग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसे सीख सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू क्रिएटिविटी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।